Good morning. दोबारा बोलता हूँ, great morning. Great morning. Very good. शुरुआत बहुत ही छोटी रहेगी, जल्दी से बताया जाएगा क्योंकि टाइम कम है. सबको पता है? Yes. ठीक है. जैसे पापा ने बताया, 3 साल की उम्र में मधुमक्खी चिपकी थी. ऐसी बहुत सारी कहानियां जो बता सकते हैं, बताई जा सकती है, कही जा सकती है, सुनी जा सकती है. लेकिन आप सबसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप लोगों के पास अपनी कहानियां नहीं है? है? Yes. किसी और के स्रोत से क्यों अपने आप को जगाना चाहते हो जब खुद अपनी कहानी से जग सकते हो? मैं उस कंट्री में जाके खड़ा हो चुका हूं, वो सब देख चुका हूं जो शायद आप लोग सोच रहे हैं. भाइयों, क्यों? रीजन है. उसके पीछे रीजन है कि जब दिमाग खुलता है ना, तो शरीर उसका अपने आप खुल जाता है. जब बताया जाए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी लायक नहीं, तुम ऐसे नहीं, तुम वैसे नहीं, तो पता क्या होता है? इस शरीर को उसके साथ ढीला ढाला बन जाता है और जिंदगी भर ना वैसे ही. आज भी मेरे फोन के अंदर एंटार्क्टिका को छोड़ के पूरे 7 के 6 कॉन्टिनेंट्स के लोगों के नंबर है. डेली फोन होता है, डेली वीडियो कॉल होता है. चाहूं तो खड़े खड़े पूरा नेटवर्क पूरे दुनिया में फैला सकता हूं. क्यों? क्योंकि जज्बा है, क्योंकि वो ताकत है. किसमें? जबान में. पता है, शरीर में सारी चीजें जरूरी हैं. जैसे उन्होंने बताया, सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना बोलना. आप बाहर जाके 10 लोगों से बातें करेंगे, 10 लोगों से हेलो हाय करेंगे, जाके 200 रुपए की कॉफी पी के आ जाए, घर पर आके बोले हाय यार बच्चा बोलेंगे. 13 साल की उम्र थी मेरी जब मैंने समझ लिया था कि अगर आज नहीं तो कल नहीं, कल नहीं तो परसों नहीं, और परसों नहीं तो कभी. क्यों समझा? क्या रीजन था उसके पीछे? उसके पीछे एक छोटा सा रीजन था. जब घर जाता था ना, तो ये देखता था कि सपने तो हर इंसान के पूरे हो. अरे भाई, मेरे ऊपर इतना बड़ा प्रेशर था कि जगुआर खड़ी थी सर के ऊपर. क्या करता हूं, कहां जाता, सारी चीजें करी, सारे हाथ पैर माने, बड़ी से बड़ी इवेंट कंपनियों के साथ काम करा. 13 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था. टिकट बेचता था. क्यों? अरे कहीं तो आपकी, कहीं तो बुझानी थी, कुछ तो करना था. लगा रहा. 18 साल की उम्र तक वो सारी चीजें कर चुका था जो लोग सोच रहे थे. गोल्ड मेडल जीत चुका था शॉटपुट में. मेरी मूवी जो थी इसमें पहुंच चुकी थी, सेलेक्ट हो चुकी थी. पता नहीं कितने को मैंने स्कूल को ऐसी सर्टिफिकेट लाके पटक दिए, लो रखो यार कोई दिक्कत नहीं. क्यों? क्योंकि आपकी शांति नहीं हो रही थी. इसमें उंगली डालता था, उसमें उंगली डालता था, इसमें उंगली डालता था, कहीं भी जाता था, शांति नहीं होती थी. वो आप शांत होने का नाम नहीं ले रहे. उस आपको पता ही नहीं था शांत कैसे होना है. क्योंकि जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने बोला ना, सक्सेसफुल होना है. एक बात आप लोगों को बता दूं, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं. उसकी डेफिनेशन तब तक नहीं है जब तक आपकी मन की आप खत्म हो जाए. 20 साल, मेरे को एक बात बताना, 20 साल का करियर कोई छोटा करियर होता है? छोटा करियर होता है? नहीं. बिल गेट्स ने कितने टाइम अपना करियर बना के रख दिया था दुनिया के सामने, मुझे कोई बता सकता है? किसी को पता है? किसी को नहीं पता, क्योंकि वो आज तक रिकॉर्ड नहीं किया गया. वो आज तक किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में रिकॉर्ड नहीं किया गया है कि बिल गेट्स ने अपना करियर कितने छोटे टाइम में शुरू कर दिया था और कितने छोटे टाइम में बना दिया था. सबको पता है कहां से शुरू किया था? पता है किसी को? बिल गेट्स ने अपना करियर गैरेज से शुरू किया था. गैराज में जो हिंदुस्तानियों के पास होता नहीं है, वहां से उसने अपना करियर स्टार्ट किया. हम चाहे तो हमें कमरे के अंदर से अपनी दुनिया बदल सकते हैं. मन में आग हो तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते. अच्छा, आप लोग सारे फिल्म स्टार्स वगैरह इन सबको देखते होंगे. सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया, सब लोग कूद के पैसे कमा रहे हैं. अगर मैं बोलूं कि ऐसा कोई फिल्म स्टार नहीं छोड़ा, ऐसा कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं छोड़ा जिसको मैंने सर्व ना किया हो, ध्यान से सुना, सर्व ना किया हो. होटल मैनेजमेंट, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, प्राइम होटल्स होते हैं पूरे होटल चेंज में इंडिया में. सबको पता है कसाबरे का गोले चलाई थी, उसी होटल के पीछे पैर रख के ट्रेनिंग करके आया था. क्यों? आपकी, अरे नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, कैसे नहीं करूंगा? अगर आज भी चाहूं तो अगर अभी पलट के देखू ना, तो इतनी मोटी इनकम मेरा वेट कर रही है जिसके कोई काम नहीं.
टॉप ताज को लीड करने के लिए तैयार खड़ा हूं, बट क्यों? क्यों किसी और के सपने पूरे करने हैं जब खुद के सपने खुद ही पूरे कर सकते हो? क्यों इसलिए नहीं करने? वो इसलिए नहीं करने क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं बनता। आगे चलते हैं, एक छोटी सी चीज बताऊंगा, सुनने को तैयार है? मात्र 3 मिनट लगेंगे। यस यस।